नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। रुक करेंगे सुपर फास्ट खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी के दौरे पर पहुंचे। झांसी पहुंचकर मुख्यमंत्री ने सबसे पहले कलेक्ट्रेट में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। कोविड सेंटर के निरीक्षण के बाद सीएम ने झांसी के मंडल के जनप्रतिनिधियों, जिले के अधिकारियों व मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। झांसी सीएम ने कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। सीएम ने कहा कि गंभीर मरीजों को लेकर किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए। सीएम ने कहा कि प्रदेश में 24 अप्रैल को सबसे ज्यादा 38,000 केस सामने आए थे। आज प्रदेश में ये संख्या घटकर 4,000 तक पहुंच गई है। वहीं एक्टिव केस की संख्या 3,10,000 से घटकर 84,000 तक पहुंच गई है। हम लोगों ने पिछले 22 दिनों के अंदर 2,26,000 से भी अधिक सक्रिय मरीजों को ठीक किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा में बड़ोखर खुर्द गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया। सीएम ने कहा उत्तर प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट 93% से भी ज्यादा हो गया है। पॉजिटिविटी रेट 2% के आसपास है। आज हम प्रदेश के अलग अलग जिलों में 300 से भी अधिक ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री सुरेश खन्ना का बड़ा बयान, ब्लैक फंगस को लेकर डॉक्टरों की बनाई कमेटी। पीजीआई डायरेक्टर की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी, 3 दिनों में देगी अपनी रिपोर्ट। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सीएम योगी को सौंपी रिपोर्ट। अगस्त से अक्टूबर के बीच तीसरी लहर की संभावना। 1 से 20 साल के बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा। 4 मई को सरकार ने गठित की थी विशेषज्ञों की कमेटी। शिक्षा मंत्री और सोनभद्र के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी सोनभद्र के 2 दिवसीय दौरे पर जनपद में कोविड हॉस्पिटल्स और प्रशासन की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। शिक्षा मंत्री ने सबसे पहले जिला कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक की और कोविड की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। कोवैक्सीन लगाने के लिए निजी अस्पतालों को मंजूरी। निजी अस्पताल खरीद कर लगा सकेंगे वैक्सीन। 1500 रुपए तक में निजी अस्पताल लगा सकता है वैक्सीन। निजी अस्पताल अपने हिसाब से तय कर सकते हैं रेट। लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल, मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों के तबादले। सरकार ने सीएमएस स्तर के अफसरों के किए तबादले। स्वास्थ्य विभाग में 13 अधिकारियों के तबादले। यूपी में ब्लैक फंगस का कहर, प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले 500 के पार। लखनऊ में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ा। राजधानी में 191 मरीज, 17 की मौत। कोरोना के बाद अब देश में ब्लैक फंगस भी तेजी से पैर पसार रहा है। ताजा मामला फिरोजाबाद का है, जहां 62 वर्षीय महिला ब्लैक फंगस बीमारी से पीड़ित पाई गई है। मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद के सीएमएस डॉक्टर आलोक शर्मा का कहना है कि 3 दिन पहले महिला यहां आई थी। महिला की आंख में दिक्कत थी। लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश लगातार फील्ड पर, अचानक सरकारी राशन दुकान पर पहुंचे। राशन दुकान का किया औचक निरीक्षण। डीएम ने कहा पूरी पारदर्शिता के साथ पात्रों को दिया जाए राशन। डीएम ने कैंट और हैवलॉक रोड पर किया निरीक्षण। लखनऊ में डीएम और कमिश्नर ने की छापेमारी। जिला जेल में छापेमारी से मचा हड़कंप। जेल की सभी बैरकों में चलाया गया चेकिंग अभियान। छापेमारी के दौरान कई अधिकारी रहे मौजूद। अधिकारियों समेत भारी पुलिस बल रहा मौजूद। वाराणसी में पंडित छन्नूलाल मिश्रा की बेटी की मौत का मामला जांच के बाद अस्पताल प्रशासन को क्लीन चिट। डिप्टी सीएमओ ने पंडित छन्नूलाल को सौंपी जांच रिपोर्ट। पंडित छन्नूलाल की बेटी का कोरोना से हुआ था निधन। मेडविन अस्पताल पर लगा था लापरवाही का आरोप। मामले में डीएम ने अस्पताल पर बैठाई थी जांच। उन्नाव में सब्जी विक्रेता की पिटाई से मौत का मामला। एसपी ने कहा हत्या में नामजद एक को किया गिरफ्तार। 2 सिपाही और 1 होमगार्ड पर दर्ज है मुकदमा। एसपी ने कहा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सर्च अभियान जारी। क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी गई है।
कोविड 19 महामारी के चलते गाजियाबाद में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत पात्रता के अनुसार राशन कार्ड धारकों सरकार द्वारा निःशुल्क खाद्य वितरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न सामग्री दी जा रही है, जिसमें की 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रति यूनिट के हिसाब से राशन कार्ड धारकों को दिया जा रहा है। बुलंदशहर में कोरोना महामारी में लॉकडाउन के चलते मजदूर नहीं मिलने पर आम की फसल बागों में खराब होती नजर आ रही है। सहारनपुर में बच्चों के विवाद ने पकड़ा तूल, दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, दोनों पक्षों के करीब 10 से ज्यादा लोग घायल। घायलों में महिलाएं भी शामिल, आधा दर्जन से ज्यादा लोग पुलिस की हिरासत में। बलिया जिले के कल्याणीपुर गांव में पूर्व प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों में अनियमितता को लेकर गांव के लोगों ने जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को जांच के लिए पत्र लिखा। ग्रामीणों ने पूर्व प्रधान पर आरोप लगाया है कि उनके 5 साल के कार्यकाल में 34 कार्य ऐसे हैं जो मानक के अनुसार नहीं हुआ है, केवल उसमें ही हवा हवाई साबित हुई है। कानपुर देहात में कोरोना की तीसरी लहर से डर का माहौल, तीसरी लहर में बच्चों को ज्यादा खतरा, सरकार के आदेश के बाद तैयारियां तेज। जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा, डॉक्टरों ने लोगों से सावधानी बरतने की दी सलाह। महाराजगंज जिला जेल में 2 सजायाफ्ता कैदियों ने पैरोल पर मिली रिहाई को लेने से इंकार कर दिया है। पैरोल मिलने के बाद दोनों कैदियों ने जेलर को पत्र लिखकर आर्थिक तंगी और बढ़ते कोरोना संक्रमण का हवाला देकर जेल में ही रहने की गुहार लगाई है। प्रयागराज में 2 युवकों ने फेंका बम, बमबारी से क्षेत्र में दहशत का माहौल, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद, कुछ ही घंटों बाद पुलिस के हत्थे चढ़े बदमाश। लखीमपुर खीरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नदी किनारे शौच के लिए गए शख्स पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया, इस हमले से शख्स घायल हो गया। इसके बाद आनन फानन में पहुंचे ग्रामीणों और वनकर्मी ने घायल व्यक्ति को बचाया और इलाज के लिए सीएससी में भेज दिया। लखनऊ में एटीएम और डेबिट कार्ड में फर्जीवाड़े का मामला, यूपी एसटीएफ ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, 10 लाख से ज्यादा की नकदी और एटीएम बरामद। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में दर्ज हुई थी एफआईआर, शिकायत के बाद गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। बलिया में पॉलिटेक्निक हॉस्टल में मिला अज्ञात महिला का शव, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, पुलिस ने हत्या की जताई आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, बॉयज टाउन पॉलिटेक्निक परिसर का मामला। मिर्जापुर में परिवार में विवाह के मौके पर आए बारात में चल रहे ऑर्केस्ट्रा में कुर्सी पर आगे बैठने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें दुल्हन के 14 साल के चचेरे भाई की पीट पीट कर दोस्तों ने हत्या कर दी। पुलिस ने मौके से हत्या में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अयोध्या में देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की दी गई है। घटना के आसपास इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। साथ ही हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए एएसपी ने 5 टीमें गठित की हैं। बलिया में कोटे के विवाद में फायरिंग के मामले में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, नगरा थाने के पुलिस ने इसारी सलीमपुर रसरा रोड में गिरफ्तारी की है। अभियुक्त उत्तम सिंह पीड़ित राम प्रताप सिंह का सगा भाई बताया जा रहा है। पुलिस ने अभियुक्त के पास एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस भी बरामद किया। प्रतापगढ़ में सिग्नल से टकराई मालगाड़ी, 2 घंटे तक ठप रहा रेलवे ट्रैक, कई ट्रेनें रही प्रभावित, महकमे में मचा हड़कंप। हादसे के बाद इंजन में फंसा सिग्नल का पोल, जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही से हुआ हादसा, डीआरएम ने दिए जांच के निर्देश। बुलंदशहर में अजगर ने किया बंदर का शिकार, अजगर ने पूंछ में लपेट कर ली बंदर की जान, ग्रामीणों ने अजगर के कब्जे से मृत बंदर को छुड़ाया। लखनऊ में झुग्गी झोपड़ी में धमाके के साथ लगी आग, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा का कारण, झोपड़ी में मजदूर भरते थे रजाई गद्दों में रोई। आग लगने से इलाके में मची अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू।
उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने मसूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए कोई तैयारी ही नहीं की थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कुंभ कराने में व्यस्त रही तो केंद्र सरकार बंगाल चुनाव में रैलियां कराने में व्यस्त थी। जनता के प्रति जवाबदेही पर सरकार के द्वारा कोई काम नहीं किया गया। हरिद्वार जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा गली मोहल्लों में जाकर सैनिटाइजिंग अभियान की शुरुआत की गई है। आप पार्टी ने अभियान की शुरुआत शहर विधायक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के वार्ड नंबर 19 खन्नागर से की है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खन्ना नगर की गलियों में सैनिटाइजिंग का अभियान चलाया। इस मौके पर आप नेता हिमा भंडारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सैनिटाइजिंग अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके द्वारा आप कार्यकर्ता गली मोहल्लों के साथ लोगों के घर घर जाकर सैनिटाइजिंग कर रहे हैं। ऋषिकेश में कोरोना रिपोर्ट में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जहां जिला बॉर्डर पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम राहगीरों की जांच कर रही है। इस मामले में कर्मचारियों ने उप जिलाधिकारी ऋषिकेश को पत्र लिखा है। कर्मचारियों ने बताया कि स्वैप यूज करके सबको निगेटिव रिपोर्ट दी जा सकती है। हरिद्वार के थाना बहादुराबाद क्षेत्र में दिन दहाड़े खेतों में गुलदार दिखने से आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने जब गुलदार को खेत में देखा तो सबके होश उड़ गए। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने शोर सुनकर गुलदार खेत से बाहर भगाने लगे। इस दौरान ग्रामीणों ने गुलदार का वीडियो भी बना लिया, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। रुड़की में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत, पंखे पर लटका मिला विवाहिता का शव, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। मृतका के परिजनों ने जमकर काटा बवाल, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चेरी में मकान ढहने से बुजुर्ग महिला की मौत, जर्जर और बारिश के कारण मकान ढहा, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रुड़की में भरभरा कर गिरा मकान की छत से प्लास्टर, बेड में लेटे दो बच्चे गंभीर रूप से घायल, बारिश के कारण मकान की छत हो गई थी कमजोर। 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 2,40,842 मामले सामने आए हैं, जबकि 3,741 मरीजों ने इस खतरनाक वायरस से दम तोड़ दिया है। इसके अलावा एक दिन में 3,55,102 मरीज अस्पताल से ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। यूपी में कोरोना केसों में आई कमी, यूपी में 4,844 नए केस मिले हैं, तो यूपी में कोरोना के एक्टिव केस 84,000 के पार हैं। लखनऊ में 24 घंटे में कोरोना के 291 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 24 घंटे में 21 लोगों की मौत हुई है। वाराणसी में कोरोना संक्रमण के 231 नए मामले सामने आए हैं, पिछले 24 घंटे में कोरोना से 14 मरीजों की मौत हुई है। मेरठ में कोरोना के 421 नए केस सामने आए हैं, 24 घंटे में कोरोना से 10 मरीजों की मौत हुई है। कानपुर देहात में कोरोना के कहर से राहत, 24 घंटे में मिले सिर्फ 3 नए मामले, अब तक 5,595 मरीज हुए थे। उत्तराखंड में 24 घंटे में 64 मरीजों की मौत हुई तो 2,906 संक्रमित पाए गए हैं। देहरादून जिले में 610, नैनीताल में 256, हरिद्वार में 465, उधम सिंह नगर में 183 और चमोली में 160 नए केस मिले हैं। रुद्रप्रयाग में 131, पिथौरागढ़ में 112, अल्मोड़ा में 221, टिहरी में 281, उत्तरकाशी में 58, पौड़ी में 297 और चंपावत में 89 नए मामले सामने आए हैं। मिजोरम में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 214 नए मामले सामने आए हैं, पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या अब 10,000 से ऊपर है। मिजोरम में 2,453 सक्रिय मामले आए, 7,736 लोग डिस्चार्ज हुए और 31 लोगों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,328 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 9,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हुए और 103 लोगों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चक्रवात यास पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है।
पीएम ने दूरसंचार, बिजली, नागरिक उड्डयन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठक की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य में 31 मई तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। तो दिल्ली में बीते 24 घंटे में 1600 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राज्य में कोरोना मामले कम हो रहे हैं। अगर मामलों के घटने का सिलसिला अगले एक हफ्ते तक इसी तरह जारी रहा तो 31 मई से हम अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू कर देंगे। आज कोरोना की ये वेव कमजोर होती नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में संक्रमण दर 2.5% के भी नीचे चली गई है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के बाद से फरार ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। स्पेशल सीपी स्पेशल सेल नीरज ठाकुर ने पहलवान सुशील कुमार और उसके साथी अजय की गिरफ्तारी की पुष्टि की। अगस्त से शुरू हो सकता है रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का उत्पादन। 85 करोड़ डोज बनाने की योजना है। भारत में बढ़ते कोरोना मरीजों को लेकर भूटान पीएम ने बड़ा फैसला लिया है। भूटान ने वैक्सीन सप्लाई करने का दबाव नहीं डालने का फैसला लिया है। नेपाल में राष्ट्रपति विद्या भंडारी ने संसद भंग कर दी और मध्यावधि चुनाव का ऐलान कर दिया है। भारतीय खिलाड़ी इंग्लैंड में सिर्फ 3 दिन सख्त क्वारंटीन में रहेंगे। टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले 12 दिन प्रैक्टिस कर पाएगी टीम इंडिया। फिल्म ट्रिपल आर के डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स 325 करोड़ में बिके, ये अब तक की सबसे बड़ी डील है।